कुमार चौधरी जिला पंचायत सदस्य हूँ। मेरे वार्ड में वो काम हो रहा था, वो भी विभागीय कार्य था जो JCB से करवाया जा रहा था। उसमें मैंने शिकायत जिला पंचायत CEO को की, उन्होंने भी फर्जी जांच करके भेज दिया। उसके बाद मैंने SP साहब को भी फ़ोन लगाया और मैंने मैसेज लिखा कि सर मेरी जान माल को खतरा है, FIR करवाइए और पुलिस सुरक्षा के लिए कुछ भेजिए। तो उन्होंने भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। गुड्डू राजा, शिवदीन विश्वकर्मा, शिवचरण और शनि राजा, ये लोग थे और अन्य साथी मैं देख नहीं पाया। इन्होंने मेरी गाड़ी को रोका, मैं एकदम से गाड़ी से निकल के भागा। हॉस्पिटल के स्ट्रेचर पर बेबस पड़े इस शख्स को भ्रष्टाचार का विरोध करने की सजा मिली है। आप हैरान हो रहे होंगे लेकिन ये बिल्कुल सच है। सच के लिए आवाज उठाना और भ्रष्टाचार का विरोध करना आज के दौर में कितना खतरनाक काम है, इसको एक संगीन मामला पन्ना से आया है। गलत के खिलाफ आवाज उठाने की सजा जान पर भारी पड़ सकती है। पवई जनपद ग्राम पंचायत टिकरिया का ये मामला है। जिला पंचायत सदस्य राम ठाकुर चौधरी का कसूर सिर्फ इतना है कि उन्होंने JCB से चल रहे मनरेगा के काम का विरोध किया, लेकिन दबंगों को ये रत्ती भर भी रास नहीं आया और उन्होंने गोली मार कर काम तमाम करना ही बेहतर समझा। गुंडई और बदमाशी की ये कहानी आप पीड़ित की जुबानी सुनिए। भैया क्या हो गया आपके साथ में, किन लोगों ने गोली मारी है आपको? मेरे साथ जानमान हमला हुआ है। मैंने एक टिकरिया खुर्द सिमरा में, मेरे पंचायत में राम कुमार चौधरी जिला पंचायत सदस्य हूँ, मेरे वार्ड में वो काम हो रहा था, वो भी विभागीय कार्य था जो JCB से करवाया जा रहा था। उसमें मैंने शिकायत जिला पंचायत CEO को की, उन्होंने भी फर्जी जांच करके भेज दिया। और कल दबंग लोग आए, शनि राजा और कमलेश पांडे और अन्य साथी और गुड्डू राजा और ये क्या कहते हैं शिवदीन विश्वकर्मा, उसके लड़के मेरे को गाली गलौच जाति सूचक शब्द बोले, मेरे को कमरे में बंद करके मेरे को मार पिटाई की। उसकी शिकायत में लेके रात के 9 बजे मोहिंद्रा चौकी ईश्वर सिंह चौकी प्रभारी के पास गया, जिन्होंने मेरी कोई सुनवाई नहीं की। उसके बाद मैंने रात को TI को दो बार सिमरिया TI को दो बार फ़ोन लगाया, उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। उसके बाद मैंने SP साहब को भी फ़ोन लगाया और मैंने मैसेज लिखा कि सर मेरी जान माल को खतरा है, FIR करवाइए और पुलिस सुरक्षा के लिए कुछ भेजिए। तो उन्होंने भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। उसके बाद SDOP को लगाया तो SDOP ने कहा ठीक है जाइए तत्काल आप द्वारा से वो है कि, मगर उन्होंने फिर भी नहीं कही मेरी FIR और मैं वापसी आ गया रात के 12 बजे तक बैठ के यहाँ आया। मैं फिर द्वारा से ग्राम पंचायत अतरहाई से सिमरिया थाने के लिए रिपोर्ट के लिए जा रहा था कि सर यहाँ नहीं चौकी हुई तो मैं थाने में कायम नहीं करवाऊँगा। तो इन्होंने रास्ते में कुंवर, मैं वहाँ से निकला और सीधा करिया से आ रहा था तो नरवा है, एक जुनारे का नरवा बोलते हैं, तो वहाँ पे गुड्डू राजा, शिवदीन विश्वकर्मा, शिवचरण और शनि राजा, ये लोग थे और अन्य साथी मैं देख नहीं पाया। इन्होंने मेरी गाड़ी को रोका, मैं एकदम से गाड़ी से निकल के भागा तो इन्होंने मेरे को गोली चलाई तो मेरे पैर में गोली लगी, मैं गिर गया। फिर ये भाग गए वहाँ से, जैसे मैंने 100 नंबर लगाया वो नहीं आ पाई। मैंने महाराज को कॉल लगाया कि महाराज आप जल्दी से आप आइए, मेरे साथ ऐसी घटना हुई है। सीधा फिर मैं यहाँ पे पढ़ना के लिए रेफर हुआ। क्या नाम आपका? मैं राम कुमार चौधरी। जो लोग बाग है जो काम करने बाहर जा रहे हैं उनके लिए क्या कहेंगे? सर एक जनप्रतिनिधि के नाते हमने ये सोचा कि हमारे क्षेत्र की जनता है, जब बहुएं बिटियां वहां दिल्ली बम्बई गंगानगर, हमने देखी है गरीबी क्या होती है, किस तरीका से लेबर की दर्द। वार्ड क्रमांक 11 के अनुसूचित जाति और जिला पंचायत सदस्य राम ठाकुर चौधरी के मुताबिक ग्राम पंचायत में मनरेगा के काम मशीनों से हो रहे हैं, इसी बात का विरोध करने को लेकर दबंग जान लेने पर उतारू हो गए। पीड़ित के मुताबिक गुड्डू राजा, शनि राजा, शिवदीप विश्वकर्मा और शिवचरण ने कमरे में बंद करके मारपीट की और जब वो मारपीट की शिकायत कराने के लिए जा रहा था रास्ते में उसकी गाड़ी को रोका गया। पीड़ित के मुताबिक जब वो जान बचाने के लिए गाड़ी से निकलकर भागा तो गोली मार दी। वहीं इस सारे मामले को लेकर पीड़ित मुकेश ने जिला पंचायत CEO पर फर्जी जांच करके लीपापोती करने का आरोप लगाया है। तो वहीं दूसरी ओर मारपीट की शिकायत पुलिस थाना और चौकी में करने के बाद भी सुनवाई नहीं हुई, लिहाजा घायल को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया है जहाँ उसका इलाज चल रहा है। पंजाब केसरी TV के लिए मुकेश कुमार विश्वकर्मा पन्ना।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।